Free radical. So what is free radical? A species with a single unpaired electron is called as a free radical. So species क्या होता है? Element. जिसमें क्या हो? Single unpaired electron हो. मतलब यहाँ पे paired electron क्या होता है? अगर आपका एक bond है, उसमें कितने electron होते हैं? एक bond में दो electron होते हैं. ठीक है? इसमें दो electron आ गए. तो उसको क्या बोलोगे आप? उसे बोलते हो it is a paired electron. It is a paired electron. बट वहाँ पे अगर एक बॉन्ड में सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा तो आप क्या बोलोगे? इट इज़ अ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं हो रही है, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. अगर यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन रहे तो वो पेयर्ड होता है, और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल. सो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक एलिमेंट लेती हूँ, एलिमेंट ए, और यहाँ पे एक फ्री रेडिकल है, ठीक है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, जिसे हम बोलेंगे फ्री रेडिकल. ठीक है, जो भी आपका ये डिग्री जैसा दिखता है उसे हम रेडिकल बोलते हैं. यस, तो यहाँ पे थ्री टाइप ऑफ फ्री रेडिकल इज देयर. सो फर्स्ट इज प्राइमरी फ्री रेडिकल, जिसे हम वन डिग्री फ्री रेडिकल भी बोलते हैं. तो यहाँ पे जो आपका कार्बन रेडिकल रहेगा वो डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच रहेगा, उसे हम बोलेंगे वन डिग्री फ्री रेडिकल. देन सेकेंडरी फ्री रेडिकल, जिसे हम बोलते हैं टू डिग्री फ्री रेडिकल. इसमें क्या होगा? जो भी आपका कार्बन रेडिकल रहेगा वो डायरेक्टली अटैच रहेगा दो कार्बन से, उसे हम बोलेंगे टू डिग्री फ्री रेडिकल. एंड इन टर्शियरी फ्री रेडिकल, जिसे हम बोलते हैं थ्री डिग्री फ्री रेडिकल, इसमें क्या होगा? जो भी आपका कार्बन वाला रेडिकल रहेगा वो डायरेक्टली किससे अटैच होगा? तीन कार्बन से अटैच रहेगा, उसे हम बोलेंगे थ्री डिग्री फ्री रेडिकल. सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो. तो वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए.